अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोनिसास किचन। आज हम बनाएंगे कश्मीरी चाय सिर्फ 5 मिनट में, वो भी एक ही पॉट में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चूल्हे पर एक पॉट रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप पानी और पानी में उबाल आने देंगे। तो चलें, पानी में उबाल आने लगा है तो इसमें ऐड करेंगे चाय की पत्ती। ये कश्मीरी चाय है 1 टेबल स्पून। ये देखिए, इसमें इलायची और रोज़ पेटल ऑलरेडी हैं, तो मैं इसमें सिर्फ अलग से एक बादियान का फूल ले रही हूँ। अगर आपकी चाय पत्ती में इलायची ना हो तो अलग से 2-3 ऐड कर दें। मैंने चाय पत्ती पानी में डाल दी है। अब इसे 2-3 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब इसका अच्छा सा कलर आने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो होता है, और थोड़ा सा नमक 1 चुटकी। इसमें मैं कोई अलग से कलर का यूज़ नहीं करूँगी, आप खुद देखेंगे कितना अच्छा कलर आएगा। जितनी अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती लेंगे उतना अच्छा कलर आएगा। देखें, 2-3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, कहवा हमारा रेडी है। ये देखें इसका कलर कितना अच्छा सा निकल कर आया है, पिंक पिंक। तो बस अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे 1 कप, यानी कि 250 ml। इसमें ऐड करेंगे शुगर टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे दूध के साथ कुक करेंगे 2-3 मिनट। दूध के साथ भी पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और छान लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है बिना कलर के ही। अब इसे हम कटे हुए पिस्ते से गार्निश कर देंगे, अच्छी लगेगी। वाओ, ज़बरदस्त। आप भी ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।